नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रोहिणी कंप्यूटर एजुकेशन कोर्स के अंतर्गत। यहाँ पर हम बहुत ही बेसिक लेवल से सीखना प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे हम हायर कोर्सेज की तरफ बढ़ते जाएंगे, जिसमें हम ऑफिशियल कोर्स कवर करेंगे, बाद में हम डिज़ाइनिंग कोर्सेज की तरफ जाएंगे, उसके बाद हम अकाउंटिंग पोर्शन सीखेंगे, उसके बाद हम ऑडियो वीडियो मिक्सिंग, यूट्यूब चैनल्स अपलोडिंग डाउनलोडिंग, इंटरनेट CPCT की तैयारी किस प्रकार से की जाए वो समझते जाएंगे, DCA कोर्सेस PDCA कोर्सेस इन्हें भी हम साथ में कवर करते जाएंगे। इस प्रकार के बहुत सारे कोर्सेस मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। बहुत से लोग इस कारण नहीं आ पाते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारी इंग्लिश कमज़ोर है और हम कंप्यूटर कैसे सीख पाएंगे। कुछ बहुत कम क्लासेस तक पढ़े रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम कैसे इसको कर पाएंगे, पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोशिश कीजिए, सफलता आपके सामने खड़ी हुई है। इसलिए मैं पूरा ये प्रयास करूँगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा सिखा पाऊँ। तो प्लीज़ ट्यूटोरियल को आप देखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, आप अवश्य एक दिन सीख जाएंगे, ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो सबसे पहले हम आज के ट्यूटोरियल में बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि हम कहीं पर घर पर या ऑफिस में जाते हैं या किसी कोचिंग क्लास में आप जाते हो तो किस तरह से हम प्रॉपरली सिस्टम को ऑन करें, उस पर वर्क करें और कैसे उसे प्रॉपरली हम शट डाउन करें, ये इस चैप्टर में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार फिर से आपका स्वागत है, मैं गिरीश लोमटे आपको आज के ट्यूटोरियल पे ले चलता हूँ। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम कंप्यूटर सिस्टम के सामने सीट पर बैठते हैं उसके बाद सबसे पहले हमारा ध्यान मॉनिटर की स्क्रीन पर जाना चाहिए। हमें यह देखना है कि मॉनिटर का स्विच ऑन है या ऑफ है। अलग अलग मॉनिटर में स्विच अलग अलग जगह पर दिए रहते हैं, हमें उसमें पावर बटन को ढूंढना है। मैंने प्रयास किया है कि अलग अलग मॉनिटर में कहाँ कहाँ स्विचेस रहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आपको पावर का स्विच दिख जाए तो आप उसे प्रेस करके एक बार ऑन कर लीजिए। जैसे ही वो ऑन हो जाएगा तो वो ऑरेंज कलर में आ जाएगा। अब हम CPU में दिए गए पावर बटन को ढूंढते हैं और उसे भी प्रेस करके ऑन कर देते हैं। मॉनिटर को पहले ऑन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यदि आप CPU पहले ऑन कर देते हैं तो मॉनिटर पर डिस्प्ले आपको दिखेगा नहीं। CPU तो ऑन हो चुका है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप ये सोचोगे कि CPU ऑन नहीं हुआ है और इस तरह से आप उसको पावर बटन को एक बार फिर प्रेस कर दोगे। उससे क्या हुआ, CPU तो पहले से ऑन हो गया था, एक बार आपने दबा के उसको ऑफ कर दिया। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी और आपके CPU में प्रॉब्लम आने की संभावना बन जाती है। तो इसलिए सबसे पहले हम ये ध्यान दें कि हमें मॉनिटर के स्विच को ऑन करना है। देखिए, अब हमारा मॉनिटर ऑन हो चुका है और नीचे से हमने CPU को भी ऑन कर दिया है। बूटिंग प्रोसेस प्रारंभ हो गई है। अब आपके सिस्टम में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ रहेगा वो लोड होकर स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले करेगा। क्या है, अब हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसका सिंबल W है उस पर जाकर डबल क्लिक करेंगे या फिर हम उसको क्लिक करके इंटर भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर जो है स्क्रीन पर आ चुका है। अब हम फॉन्ट का साइज बड़ा करने के लिए होम ऑप्शन पे जाएंगे। वहाँ क्लिक करने के बाद हमें फॉन्ट साइज ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ जाकर हम यहाँ पर हमारे हिसाब से फॉन्ट का साइज बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ टाइप करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर टाइप कर दी है। फाइल को सेव करने के लिए हम ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे ऊपर और सेव ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर कंप्यूटर एक नाम से फाइल को सेव करवाएगा। अब यहाँ पर हम फाइल का नाम डालते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट उसने रोहिणी कंप्यूटर्स 1 ले लिया है तो हम उस पर जाकर सेव कर देते हैं।
अब हमारी फाइल सेव हो चुकी है। ये हमें कहाँ मालूम पड़ रहा है? ये आपको यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा कि आपकी फाइल सेव हो चुकी है और यहाँ पर क्या नाम से आपने उसको डिफाइन करा था। अब फाइल को क्लोज करने के लिए हम वापस से ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लोज ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर हम क्लिक करेंगे। इस तरह से हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वापस हम उसी पर आ चुके हैं। अब सिस्टम ऑफ कर रहेंगे, उसके लिए हम स्टार्ट मेनू पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में शटडाउन ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें एक और बात का ध्यान देना है कि सिस्टम को शटडाउन करने के लिए हम ऑप्शन का ही उपयोग करेंगे। सिस्टम को कंप्यूटर को बंद करने के लिए नीचे से सीपीयू का बटन बंद नहीं करना है। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।